चलिए एक और नए स्टूडेंट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सारे सेशन का एक ही पर्पस है कि हर स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल बहुत अलग अलग होती है, तो आज मैं जिस स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ वो है विक्की शर्मा, जिनको एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ है और जो बिहार के पूर्णिया जिले से है। तो विक्की, सबसे पहले एनआईटी त्रिची के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। विक्की के बारे में मैं बताऊंगा कि विक्की ने बिहार से भोपाल आके पढ़ाई की थी और काफी मेहनत की, क्योंकि इनका मैथ्स बीच में छूट गया था तो मैथ्स के कनेक्शंस वीक हो गए थे, पर इन्होंने बहुत मेहनत की और आज इसके सामने रिजल्ट है। तो मैं चाहूंगा विक्की, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, स्टार्ट जर्नी कहां से हुई, आपने क्या क्या अपनी लाइफ में इम्पिटस के बाद फील किया चेंज, और आप क्या कहना चाहोगे, मैं चाहूंगा आप ही सब बताएं। मैं तो एक जस्ट आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ कि क्या बच्चे सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। मैं अगर शुरुआत से मैं अपने बारे में बताऊं सर, तो मैं मैट्रिक, जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो उस समय में सबका मैट्रिक कॉमन होता है, और मैट्रिक करने के बाद पहले मैट्रिक में बताते थे लोग कि मैट्रिक ऐसा होता है, हार्ड होता है, तो उसमें फर्स्ट डिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, ऐसे बोल रहे थे सब सभी कोई। तो मैंने पहले मैट्रिक दिया, उसमें मैं पहले उस समय मैं डर गया था, तो मैट्रिक मेरा उतना अच्छा नहीं गया, सेकेंड डिवीजन से मैं पास किया। उसके बाद सर मैंने ठान लिया था कि इंटर अब करना है, इंटर में चॉइस स्ट्रीम रहता है सर, उसमें मैंने मैथ रखा था, ठीक है सर, तो मैथ रखा था, तो मैंने ठान लिया था किसी भी तरीका से करना है तो फर्स्ट डिवीजन करना है, करके दिखाना है। तो मैंने बहुत दिन रात प्रैक्टिस की, मेहनत किया सर उसमें, तो मेरा मैथ अच्छा था सर, ठीक ठाक था, तो मैं उसमें फर्स्ट डिवीजन किया अच्छा अच्छे नंबर से सर, तो वहां पे मैंने सक्सेस पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब करना क्या है, उसके बाद सबको देखता था मैं कि मेरे सीनियर्स को कि वे अपना पैशन को फॉलो करते थे, कि अगर उन्हें जो लेना होता था जैसे जिसमें इंटरेस्ट रहता था सर तो वो करते थे। तो मैंने एक कोर्स के बारे में सुना सर, बीसीए, तो बीसीए के बारे में सुना, तो मैं बीसीए करने के लिए चला गया। बीसीए में मेरा एडमिशन सर किसी कॉलेज में नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं लेट एडमिशन लेने के लिए गया था, सारे जगह सीट फिल हो गए थे, तो फिर कटिहार में एक सीट बचा हुआ था, मुझे पता चला किसी के थ्रू, तो मैं वहां जाके एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि कंप्यूटर करूंगा तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि बाकी और कुछ होने होगा नहीं मुझसे, तो मैं इंटरेस्ट के साथ मैं चला गया बीसीए करने के लिए। तो सर 3 साल जब बीसीए मैंने किया, 3 साल में तो पूरा नहीं करवाते बिहार में, 3 से 4 साल लगा देते हैं, 3 साल बोल के, तो अक्सर बच्चों का 1 साल बढ़ जाता है। हाँ यस सर, तो 4 साल मैंने जो यहाँ पे बीसीए किया, तो सर मैथ की जितनी प्रैक्टिस थी मेरी मैथ की, तो वो सारी छूट गई थी, तो मैं मैथ में थोड़ा कहूंगा कि वीक ही हो गया था एक तरह से। उसके बाद अब बीसीए कर लिया, जब मैंने बीसीए कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर सोचा कि अब क्या करना है, अब करना है, तो लोग बोलते थे कि बीसीए करके कुछ नहीं होता है, बीसीए करके एमसीए करके कुछ नहीं होता है, ऐसे ही 15,000 का सैलरी लेके आदमी इधर उधर घूमते हैं। तो मैंने बोला था अगर ये कोर्स निकला है तो ऐसा ऐसे ही नहीं निकाला गया, ये कुछ ना कुछ सोच के निकाला गया होगा। तो मैंने अच्छे से सर्च किया, यूट्यूब में देखा, बहुत चीज देखा, तो सर मुझे बीसीए के बाद एमसीए का कोर्स समझ में आया कि एमसीए होता है, और एमसीए करने से कहां से करने से क्या होता है, तो उसको उसके लिए मुझे निमसेट के बारे में पता चला सर। तो जब मुझे निमसेट के बारे में पता चला था, मैंने सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर ढूंढना चालू कर दिया, क्योंकि सर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं और ऑल इंडिया लेवल पे इसको करवाया जाता है प्रैक्टिस। तो जब मैंने इसको डीपली देखने के लिए गया, तो सर मुझे आपका वीडियो सर मिला यूट्यूब पे, तो सर जब मैंने आपका वीडियो सर्च किया और डीपली उसमें एनालिसिस किया, तो उसमें देखा कि मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, और जब मैंने मैथ के बारे में सर सोचा तो देखा कि ये जो मैंने हाँ, तो सर जैसा मैं बता रहा था कि मैंने यूट्यूब पे देखा सर आपका वीडियो, तो उसमें देखा मैंने मैथ्स पूछा जा रहा है उस एंट्रेंस में निमसेट में, और रीजनिंग वगैरह है, तो इम्पेटस ग्रुप में एक पूरा कॉम्बिनेशन के टाइप से बताया जाता है, मतलब कि रीजनिंग भी उसमें बताया जा रहा था, मैथ्स भी बताया जा रहा था, और जब मैंने मैथ्स देखा सर, मैथ्स का लेवल कुछ और ही था सर, जो मैं पढ़ा था इंटर में और मैट्रिक में उससे कुछ हटके लेवल था सर, तो मैं समझ गया कि सर मुझसे होने वाला नहीं है ये, तो मुझे सर के पास जाना ही पड़ेगा, और आपका वीडियो सर मुझे अच्छा से समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने वहां जाने का ठान लिया। जब वहां पे मैंने जाने का ठाना, तो फिर घर में मैंने बोला मम्मी को, कुछ भी होता है सर मैं पहले अपनी मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी मेरे हर एक डिसीजन में मेरा साथ देती है, उसके बाद ये बात पापा के पास ट्रांसफर होता है, तो और पापा भी ऐसे नहीं है कि कभी किसी काम में रोका मुझे, आज तक मैंने पापा को भी अच्छा रिजल्ट ही दिया है, एक अच्छा बेटा बनने का फर्ज निभाया है सर,
और इसलिए पापा भी मुझे हर एक फील्ड में मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मम्मी ने पापा को बोला, उसके बाद पापा बोले कि अच्छा ठीक है, उतना दूर जाएगा, पहली बार जा रहा है तो सब ठीक रहेगा ना। तो बोले हाँ ठीक है, इतना इतना पैसा लग रहे हैं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे की कोई चिंता नहीं है, उसे भेजो, जब करना ही है तो पढ़ा के कुछ करेगा, अच्छा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पापा ने पैसा दिया, उसके बाद सर मैंने ठान लिया कि जाऊंगा। मैं जब भोपाल आया सर, तो मुझे एक बात का सर मन में प्रॉब्लम था कि सर क्या दिक्कत हो सकती है, वहां पे इतने बच्चे रहेंगे, उस बीच में मैं अकेला सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे समझ में आएगा कि नहीं। पहले बात तो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैंने तैयारी की नहीं थी सर पहले। उसके बाद मैं जब सर आपसे मिला, पहले तो यूट्यूब में सर आपको देखता था, उसके बाद सर आपसे मिला मैं, तो सर जैसे आप यूट्यूब में देखते सर उससे कहीं ज्यादा हैंडसम आप लाइफ में देखते सर। उसके बाद मैंने आपको प्रणाम किया सर, उसके बाद फिर सोचा कि सर बार बार नहीं मिलेंगे हमको, लेकिन क्लास आप भी लेते थे सर, वहाँ पे क्लास लेते थे। तो शुरुआत में मुझे सर समझ में नहीं आने लगा, तो मुझे लगा ये बहुत टफ है, मैथ बहुत टफ है मेरे लिए, है ना। तो उसके बाद मैं आपके पास ऑफिस में आता था, अगर आपको याद होगा सर तो याद है मुझे, मैं भूलता ही नहीं कभी। हाँ यस सर, मैं पूछता था सर कि सर हो नहीं पा रहा है सर, कैसे होगा सर, मुझे मेरे पास तो उस समय सर कोविड का कोई केस नहीं था, तो पता नहीं था कि एग्जाम का डेट एक्सटेंड भी होगा। तो मुझे लगता था कि अब तो एग्जाम आने वाले हैं मई में, तो कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, आप पापा का इतना सारा पैसा भी लगा चुका था सर। तो आप बोलते थे सर कि बेटा प्रैक्टिस करो, सही वे में जाके प्रैक्टिस करो, जो जो वीक सेक्शन है तुम्हारा मैथ में पहले उसको क्लियर करो, कवर करो, और मैं हूँ तुम्हारे साथ में, कोई टेंशन नहीं होगा। तो सर उस दिन मुझे पता चला। और बाकी के सर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब मैं इम्पेटस गुरुकुल में बहुत लोग लड़के से दोस्ती किया, तो उसमें से सर बहुत लड़के कुछ और भी कोचिंग सेंटर के थे, तो जिसमें बोला जाता था कि वहां पे अच्छे से मतलब कि उतना इन्वायरमेंट वैसा नहीं बन पाता है, जिसके कारण सर की पढ़ाई उस वैसा करके भी क्या फायदा, जब वहां पे इन्वायरमेंट अपनापन जटाक्ष नहीं होता है। तो उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ इम्पेटस गुरुकुल एक कोचिंग सेंटर ही नहीं है, एक फैमिली टाइप से है। यहाँ पे जब आओगे तो अच्छे से ट्रीट भी होता है, मतलब कि कभी भी कोई कभी में प्रॉब्लम नहीं हुआ सर वहाँ पे। तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता गया करता गया, धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस ऊपर करता गया सर, धीरे धीरे जा रहा था एकदम लग रहा था कि अभी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन चलो मैं करता जा रहा था। हर रोज टेस्ट देता था, मॉक देता था, सब चीज देता था सर। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया सर, अचानक से केस आया व्हाट्सएप में, मैंने सुना तो व्हाट्सएप के मैसेज को मैं विश्वास नहीं करता था कि क्या होगा नहीं होगा। तो मैं उसको इजी वे में ले लिया सर कि कोविड है, कुछ भी है, तो पानी पियो ज्यादा, अगर नाक बह रहा है तो उसको केयर करो, हाथ बार बार धो, ऐसे बोला जाता था, तो मैं उस पर केयर नहीं किया। तो फिर देखा कि वो सीरियस मोड में आ गया है सर, बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन हो गया है, सारा जगह बंद हो गया। और उस बीच में मैं सर होली में मैंने घर भी नहीं गया, बिहार नहीं आया था सर मैं, और बाकी बच्चे चले आए थे, मैं नूरुल भैया बाकी और सब जो इम्पेटस ग्रुपकुल के स्टूडेंट थे, कुछ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट सर मिलके हम लोग वहां पे फंस गए थे। और उसमें सर पढ़ाई का भी टेंशन और सर्वाइव करने का भी टेंशन है सर, और बहुत बहुत प्रकार का टेंशन था सर। शहर में सर भोपाल में फूड का सर स्टॉकेज खत्म हो गया था, कहीं पर भी बिस्किट लेने जाते थे तो वहां पे वो भी नहीं मिलता था, तो वो खाते थे कम, लेकिन पढ़ाई करना नहीं छोड़े सर उस समय में भी कुछ, क्योंकि मुझे एक बात याद था सर कि किसी तरह से रिजल्ट देना है सर को, सर ने मेरे पे भरोसा किया है तो मुझे रिजल्ट देना है और देना ही है, और मम्मी पापा का इतना सारा पैसा भी लगा हुआ, तो मैं दिन रात पढ़ता था। रात को सर मैं 12 बजे तक तो पढ़ता ही था, लेकिन कभी कभी 1 भी बज जाता था 2 भी बज जाता था। ओके। और रूम में मैंने सारे फॉर्मूले आपके मुताबिक सर लगा के रखे हुए थे कि सुबह उठो तो फॉर्मूला देखे तो ज्यादा याद रहे, सारा फॉर्मूला सर अभी तक मुझे याद ही है, तो यही आपका ही सर ये देन है। उसके बाद सर आपका मैसेज आया एक दिन कि बेटा आप लोग को अगर किसी तरह से साधन मिलता है तो आप लोग चले जाओ, क्योंकि लॉकडाउन अभी रहने वाला है। तो हम लोगों ने सर किसी तरह से कार बुक किया, उसके बाद घर आए। जब मैं घर आया सर, तो घर आया तो मुझे लॉकडाउन, मेरे यहाँ पे जो है ना मेरे अंकल हैं, तो वो मेरे पहचान के हैं, वहाँ डॉक्टर में उनका पहुंच है, तो वो सर क्या किए कि मुझे होम क्वारंटाइन कर दिए। होम क्वारंटाइन करने से मुझे थोड़ा सा फायदा मिल गया सर, क्योंकि और सब मैंने बच्चों को फोन किया जो जो मेरे साथ आए थे, उन्होंने उसे सर हॉस्पिटल में कर दिया गया, कहीं पे क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन मुझे होम क्वारंटाइन किया गया था, तो इससे मुझे फायदा मिल गया।
तो मैंने सोचा कि अब एक दिन भी नहीं बैठना है, इसका फायदा पूरा अच्छी तरीके से उठाना है, कब एग्जाम आ जाएगा कोई कह नहीं पता सकता है। बिल्कुल सही। तो सर मैं क्या किया, मेरे मेरे घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो जैसे कि पढ़ने के लिए सर प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, अगर कोई है तो एक ही रूम है तो उसमें हल्ला करते हैं और बोलते हैं तो दिक्कत हो जाता है, तो किसको किसको मना करेंगे, घर में सब भाई बहन ही है। तो मैं क्या किया, मेरे फुआ है एक पूर्णिया में रहती है, 7 किलोमीटर दूर है, तो मैं सर वहां जाके शिफ्ट होने का मैंने डिसीजन ले लिया सर, क्योंकि पढ़ाई में दिक्कत नहीं होना चाहिए सर किसी तरीके से। मैंने फुआ को कॉल किया, मम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो मम्मी ने कभी मना नहीं किया, बोला कि ठीक है बेटा, जब उतना वहां इतना मेहनत किए हो और थोड़ा सा के लिए अगर लैक हो जाओ, पीछे रह जाओ तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने पैक किया सब चीज, चला गया मैं फुआ के यहाँ। फुआ के यहाँ जाते ही मैं बस स्टार्ट, दूसरा दिन से फिर स्टार्ट, टेस्ट भी देना था, हर रोज टेस्ट भी देना रहता था। मैं सुबह उठ जाता था सर, वही 4 बजे उठ जाता था, 4 बजे से मैं तैयार होके 5 बजे तक पूरा रेडी रेडी होके सर 5 बजे से स्टार्ट हुआ पढ़ना, 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ता था, 9 बजे फिर नाश्ता करके उसके बाद फिर नहा के फिर खाने के लिए बैठ जाता था, खा के फिर उठ के फिर पढ़ने बैठता था सर, मतलब कि 1 घंटा रेस्ट करके दोपहर में फिर पढ़ने बैठ के, उसके बाद फिर मैं रात के 12 बजे तक वहां पर भी पढ़ता था, क्योंकि मुझे किसी तरह से अपना परफॉर्मेंस आगे लेके जाना था। फिर धीरे धीरे मैंने देखा क्या कि मेरा रैंक ऊपर आने लग गया सर, अच्छी जगह पे आने लग गया, 50 से अंदर आने लग गया, टॉप 50 में मैं आया, टॉप 40 में भी आया मैं सर। Okay. तो मैं बोला कि यही सही सही समय है और अभी रुकना नहीं है, तो मैंने हर एक प्रोग्रेस लिस्ट को भी सर मैंने सेव सेव करके रखा हुआ कंप्यूटर में, अच्छा लगा था सर। तो फिर अब एग्जाम का डेट आ गया सर, एग्जाम का डेट आ गया, लेकिन कितना भी पढ़ते थे ना सर, एक होता क्या है ना कि मन में हेजिटेशन रहता ही है कि क्या होगा, एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। तो मैं कुछ नहीं हुआ, मैंने पटना मेरा सेंटर था सर, तो पटना में मैं एग्जाम देने गया, एक दिन पहले मैं पहुंचा था। फिर एग्जाम सेंटर में गया मैंने, तो देखा जब एग्जाम सेंटर में गया सर, तो जब क्वेश्चन मैंने देखा तो सर क्वेश्चन लगभग बहुत ईजी था सर, बहुत ईजी था। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन को मैं पहले बना लिया, लेकिन टाइम का सर मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, टाइम नहीं तो सर मेरा जो रैंक है ना और आप अच्छा ला के दिखा सकता था मैं सर। वैसे तो मेरा त्रिची में सिलेक्शन हो गया सर, तो उसके बाद मैं जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकला तो सोचा कि एग्जाम कैसा गया नहीं गया, पहले बात तो एग्जाम कितना भी अच्छा जाता है ना सर, तो रिजल्ट क्या होगा वो आप नहीं कह सकते हैं, मुझे डर लग रहा था। तो मेरा दोस्त मेरा शकल देखा, बोला कि कैसा गया एग्जाम यार, बाकी सब बोल रहे थे इतना बनाया उतना बनाया, बाकी बोल रहे थे, बाकी लड़कियां थी बोल रही थी कि मैंने तो इतना लगाया उतना लगाया। मैं सोच रहा था मैंने उतना तो नहीं लगाया, लेकिन एक्यूरेसी मुझे लग रहा है मेरा सही है, मैंने ये सोच के चला था। यस सर, तो उसके बाद मैं घर आया, उसके बाद रिजल्ट का वेट कर रहा था मैं सर बहुत बेसब्री से, क्या होगा नहीं होगा, और मैंने ठान लिया था सर जाऊंगा तो त्रिची ही जाऊंगा, ये मैंने सोच के रखा हुआ था सर। तो और फाइनली त्रिची ही मिला आपको। देखो क्या होता है कि किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ी चीज होती है कि किसने कितने अटेम्प्ट किए, इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कई बार ज्यादा अटेम्प्ट करने वाले पीछे हो जाते हैं, एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। और जो आपने अपनी स्टोरी बताई वो सुन के बड़ा मुझे अच्छा लगा। एक तो आपने मैथ से कॉन्टेक्ट हटा था, किस लेवल पे पढ़ाई की, यहाँ से कोविड से जाने के बाद भी अपने आप को नहीं छोड़ा, और ये लगातार जो पढ़ाई की ना कंसिस्टेंसी बनाए रखी, आज उसी का रिजल्ट है कि आज आपको इतना अच्छा कॉलेज मिला। और जो ये सेशन सुन रहे होंगे जरूर ये बात को सुन के मोटिवेट होंगे कि नहीं, हिम्मत भी नहीं हारना है और मेहनत करते रहना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाई करनी है। जो आपने जैसे बात बोली, जब यहाँ बच्चे आते हैं तो बच्चे अपने मेरे से बात भी करते हैं, पर कई बार उनके मन में कुछ फेयर रहता है, पर धीरे धीरे वो फेयर भी दूर होता है और हर चीज वो सीखते भी है। यस सर, तो यही बात है सर, मैं आपका बात हमेशा याद रखता था सर, अगर कभी डिमोटिवेट भी होता था ना तो किसी और संदीप महेश्वरी या किसी और का वीडियो देखने का मुझे जरूरत नहीं पड़ती सर। आप में सर एक बात तो है सर कि आप एक अच्छे टीचर भी हो सर और एक अच्छे मोटिवेटर भी हो सर, और आपका एक बात याद है सर कि जब तक बच्चा खुद से अंदर से मोटिवेट ना हो ना तो दुनिया की कोई ताकत उसे मोटिवेट नहीं कर सकती, ये बात भी आपकी सही है सर। तो मैं जब भी होता था तो मैं आपका वीडियो देखता था, तो चाहे स्कोर में कम हो रहा हूँ, चाहे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, चाहे डर लग रहा हो किसी भी बात पे सर, तो मैं आपका वीडियो देख लेता था सर, मुझे बहुत इजी फील होता था, बोलता थी आज देख लिया सर का वीडियो, कल से तो फिर डबल बेनर, ऐसा होता था सर, ये एनर्जी आ जाता है। बहुत अच्छी बात है। यस सर, तो कहीं ना कहीं सर आपका बहुत बड़ा हाथ है सर, पहला बात तो आपसे नहीं मिलते सर ना, तो शायद निमसेट जैसा एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर पाते शायद। तो और ये भी बात है सर कि मैं भगवान से भी यही थैंक यू कहूंगा कि आज तक जितने भी टीचर से मिला हूं मैं,
चाहे कहीं के भी टीचर हो, मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं और वो बहुत अच्छे टीचर्स लोग होते हैं, चाहे वो मैम हो, चाहे बीसीए में हो, चाहे मैट्रिक इंटर कहीं पर भी हो। और सरज सर आप तो कुछ और ही मेरे दिल पे जगह रखते हो सर, सही बात बोलता हूँ। मैंने मम्मी को यही बोलता हूँ कि सरज सर टीचर होने के नाते सर एक गार्जियन टाइप से हैं, पूरा मुझे कोऑपरेट करते थे कभी भी कुछ अगर बच्चे किसी भी बच्चे का अगर कोई प्रॉब्लम होता है। मुझे एक बात याद है सर, भी थोड़ा बहुत ठंडी घुस गया था सर वहां पे भोपाल में, मैं जब था तो ठंडी आ गया था, तो वहां पे एक बच्चे ने सर ऐसे ही आपसे बोल दिया सर कि सर ये पंखा नहीं चल रहा है, जबकि वो पंखा नहीं भी चलता ना सर तो प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे आज तक वो बात याद है। तो फिर भी आपने बोला क्या कि बेटा अभी तो फिलहाल ठंडी है लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप लोग की पढ़ाई में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप किसी किन्हीं को बोले थे इनका पंखा आप सही करवा दो ऊपर का। तो आप उस दिन में संजय सर रियलाइज आपके लिए सर पढ़ाई और रिजल्ट सबसे पहले मायने रखता है। तो मैं गया तो सही जगह गया था सर, इम्पेटस गुरुकुल इज नॉट अ कोचिंग सेंटर, इट्स ऑल अबाउट द फैमिली मेंबर्स सर। बिल्कुल सही है, हमने गुरुकुल को बनाया ही ऐसा है कि वो एक हमारी फैमिली जैसा हो, और देखो उसका बात मिलता है। दूसरी बात मैं एक और बात बोलूंगा कि जैसे आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं टीचर अच्छा हूं, मान लिया, पर टीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप अच्छे स्टूडेंट हो। आपने वो उन हर बातों को माना जो टीचर आपको बोलता है, इसलिए आपको हमेशा टीचर सपोर्ट करते हैं। तो आप ऐसे ही अपना आगे भी बनाए रखना, भी एनआईटी के टीचर्स के साथ भी आपके यही रिलेशन होना चाहिए। और जब आप एनआईटी में पढ़ो, जब भी और बाद में भी निकलने के बाद लोग बोले कि नहीं यार वो विक्की के साथ बहुत मजा आता था, बहुत ध्यान से वो हर चीज को करता था, यही बात बनाए रखना। बहुत अच्छा लगा बात करके विक्की, बहुत मजा आया। आपने एक ही बार में अपनी पूरी सक्सेस जर्नी और अपनी लाइफ की एक वो स्टोरी बता दी जो आपके साथ हुआ, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। विक्की आप कुछ और बोलना चाहोगे आप अपने लिसनर से जो बच्चे सुन रहे हो? सर मैं उनको भी बताना चाहूंगा सर, जैसा कि आपने कहा सर कि इम्पेटस का नाम, सर मैंने तो इम्पेटस से निकलने के बाद भी यही सोच लिया सर कि इम्पेटस का नाम अब हर जगह जाएगा सर, त्रिची तक ही नहीं सर अमेरिका तक जाएगा सर। मैं ये भी ठान के रखा हुआ हूँ कि जैसे कि मैंने त्रिची ठाना था तो त्रिची कॉलेज मुझे मिला, मैं ये भी सोच के रखा हूँ मेरा फेवरेट मल्टीनेशनल कंपनी गूगल, मैं उस पर जॉब लेके दिखाऊंगा सर, उसमें प्लेसमेंट लेके दिखाऊंगा। और देखिए सर मैं अभी भी नहीं रुका हूं, और ये लेटेस्ट की किताब है बेसिक से मैंने फिर से स्टार्ट किया है प्रोग्रामिंग सर, ये बगल में ही रखी हुई थी अभी मैं पढ़ी। बहुत अच्छी बात है जी सर, तो मैं ये नहीं चाहता कि कहीं पर भी मैं पीछे रह जाऊं, मैं किसी से पीछे रहना नहीं चाहता सर। और आपका नाम सर अब बहुत आगे लेके जाना है, माँ बाप का नाम बहुत आगे लेके जाना। अब बस्ती में सर मेरे कॉलोनी में मुझ पर बहुत शुरू से प्राउड करते हैं और मैं उनका प्राउड सर बरकरार रखा हूं और रखूंगा हमेशा ही। तो इसी तरीका से और मैं अपने पूर्णिया टाउन या तो फिर किसी भी स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा कि मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। पहली बात कि आप अगर कभी मेहनत भी करते हो ना, अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे मेहनत में ना, तो अच्छे अच्छे धुलंधर भी कभी कभी जो है ना पिछड़ जाते हैं। तो उसमें क्या है कंसिस्टेंसी रखोगे तो धीरे 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 करते करते जो है पानी भरता है, मटका भरता है। उसी तरीका से कहते हैं मेहनत धीरे धीरे करो, शुरू में कुछ नहीं होगा लेकिन लास्ट में एक दिन जरूर फल मिलेगा, मुझे भी मिला और आपको भी मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं हर एक स्टूडेंट से, मेरे जूनियर्स, मेरे भाई सबसे यही कहना चाहूंगा सर। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप ऐसे ही रहो, आप अच्छा प्लेसमेंट रहो, गूगल में भी जाओ, गूगल फेसबुक ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इनमें बिल्कुल जा सकता है कोई भी बच्चा अगर उसके पास सही क्वालिफिकेशन और सही गेटवे हो। आपने गेटवे बहुत अच्छा लिया है, तो एक अच्छा प्लेसमेंट के बाद आप आगे भी बढ़ोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये सेशन एंड करता हूँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।